हेलो स्टूडेंट्स, सो आर नेक्स्ट टॉपिक इन प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ सी प्रोग्रामिंग। ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका, नेक्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू सी में। इंट्रोडक्शन टू सी, सो इसमें हम कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। जब हम इसकी लैब कर रहे थे तब हमने थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था इसका कि क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारी सी प्रोग्रामिंग है वो किसने डेवलप की थी, वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। कहाँ पर की थी, एटी एंड टी लैब में की थी। ये यूएसए में है और इन 1972 में किया था। 1972 में डेनिस रिची ने एटी एंड टी लैब में सी प्रोग्रामिंग जो है वो डेवलप की थी। अब जो आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हम सी लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कितनी लैंग्वेजेज होती हैं, थ्री टाइप की लैंग्वेजेज होती हैं। टू टाइप्स होती हैं जिसमें आपकी आती है लो एंड हाई, ठीक है। फिर लो में आपकी मशीन आ जाती है एंड असेंबली आ जाती है। तो ये तीनों लैंग्वेजेस हम कर चुके हैं। तो जो आपकी सी लैंग्वेज है इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि यूज्ड होती है टू डेवलप। हम क्या करते हैं, इसे एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो हम एप्लीकेशंस बनाते हैं इससे, यूज टू डेवलप एप्लीकेशन फॉर हाई लेवल बिजनेस प्रोग्राम। एंड और क्या बनाते हैं, हम एप्लीकेशंस बनाते हैं और सिस्टम प्रोग्राम्स भी करते हैं। तो लो लेवल सिस्टम प्रोग्राम्स दोनों के लिए ये यूज़ में आती है। दोनों हम बना सकते हैं इससे, हम एप्लीकेशंस भी और सिस्टम प्रोग्राम्स भी। फिर ये पॉपुलर कैसे हुई थी, क्यों पॉपुलर हुई थी सी लैंग्वेज, ज़्यादा पॉपुलर किस लिए थी, क्योंकि एक तो बहुत इजी सिंपल है, इजीली लर्न हो जाती है, सिंप्लिसिटी इसकी जो है, और इसकी पावर, काफ़ी पावरफुल लैंग्वेज है ये। इट बिकेम पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स पावर। सिंप्लिसिटी एंड ईज ऑफ यूज, ईजीली आप इसको यूज कर सकते हैं। देन ये जो है, आप इसमें क्या यूज़ करते हैं, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं इसकी, हम जब सी के प्रोग्राम्स लिखते हैं तो हम उसमें पॉइंटर्स यूज़ करते हैं। तो जब भी कोई हम सिस्टम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पॉइंटर्स यूज़ करते हैं। इनेबल्स सिस्टम प्रोग्राम राइटिंग यूजिंग पॉइंटर्स यूज़ करते हैं। पॉइंटर्स को हम कैसे सिंबलाइज करते हैं, ये वाले सिंबल से, ठीक है। देन इट इज़ रिलायबल, ये बहुत रिलायबल लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज है एंड ईजी टू यूज़ है। ओके, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन आ गया सी प्रोग्रामिंग का। देन हमारे पास नेक्स्ट आते हैं इसके कुछ फीचर्स। ये सी प्रोग्रामिंग के फीचर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहला तो क्या है, ये रॉबस्ट होती है। रॉबस्ट मतलब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। आप इसको क्या कर सकते हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स जो हैं उस वो आप इससे प्रोग्राम कर सकते हैं। रॉबस्ट विच कैन बी यूज्ड to write any complex program, आप कोई भी complex program जो है वो इसमें लिख सकते हैं। Then
इसके अंदर बिल्ट इन ऑपरेशंस और फंक्शंस काफ़ी अच्छे होते हैं. इट हैज रिच सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शन एंड ऑपरेटर्स. इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और ऑपरेटर्स होते हैं. फिर नेक्स्ट आता है, ये हम पहले देख चुके हैं कि ये अपने जो लो लेवल सिस्टम प्रोग्राम्स है और जो हाई लेवल एप्लीकेशंस हैं उसके लिए बहुत अच्छे से काम करती है. तो हम ये इसके फीचर में भी आ जाते हैं, इट इज़ वेल सुइटेड फॉर राइटिंग बोथ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस एप्लीकेशंस. मतलब कि आप इससे दोनों तरह के काम कर सकते हैं. आप इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स भी बना सकते हैं, जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए तो आप इससे सिस्टम प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं सॉफ्टवेयर्स, और इससे आप एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं जो बिजनेस यूज़ में आती हैं. तो ये दोनों के लिए सुटेबल होता है. देन ये एफिशिएंट होती है, इट इज़ एफिशिएंट एंड फास्टर एग्जीक्यूशन. इसमें जो एग्जीक्यूशन होता है वो फास्टर होता है, फास्टर इन एग्जीक्यूशन. नेक्स्ट हाईली पोर्टेबल होता है, ये हाईली पोर्टेबल है. आप एक ही प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर पे लिख सकते हैं, सेम ही रहेगा. और ये जो आपके स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होते हैं उनके लिए भी वेल सुटेड होती है, वेल सुटेड फॉर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. तो ये इंट्रोडक्शन था हमारा सी प्रोग्रामिंग का, कि हमारी डेनिस रिची ने बनाई थी, AT&T लैब में हुआ था, USA में 1972 में. ये आपके दोनों टाइप के हाई लेवल होती है, हाई लेवल है, बट ये दोनों टाइप के आपके एप्लीकेशंस पे काम करती है, सॉफ्टवेयर से काम करती है. और ये इजी टू यूज़ है, सिंप्लिसिटी है इसमें. पॉइंटर्स यूज़ करके हम इसमें प्रोग्राम्स राइट करते हैं. रिलायबल होती है, रॉबस्ट है, इसके फीचर्स में आ जाता है, ये रॉबस्ट है. सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स, इसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस आते हैं, ऑपरेटर्स कुछ आते हैं जो कि बहुत ईजीली लर्न हो जाते हैं. और उसके बाद ये दोनों ही तरीके के, मतलब आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, उन टाइप के सॉफ्टवेयर्स में ये ईजी होती है, वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं. प्लस हम जो बिज़नेस एप्लीकेशंस होते हैं, जो भी एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं मोबाइल में या लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में, वो भी हम इससे लिख सकते हैं. देन एफिशिएंट होती है और फास्टर इन एग्जीक्यूशन, इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो अदर से फास्टर होता है. हाईली पोर्टेबल है. तो ये इसके कुछ फीचर्स आ जाते हैं.